हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर शो हेल्थ लाइव। मैं हूं आपके साथ शिखा। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आशीष भनोट, जिनसे आज हम पूरी बातचीत करेंगे हर्निया के बारे में। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं हर्निया से संबंधित, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपने स्टमक से रिलेटेड या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो तुरंत आप उसके लिए कॉल करें। नंबर है 0111475454 47 और साथ ही 48। डॉक्टर आशीष, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आशीष, हर्निया के बारे में आपसे मैं जानकारी लेना चाहूंगी। आज अक्सर सुनने में आता है कि किसी को हर्निया की प्रॉब्लम हुई है, उनकी सर्जरी हुई है, तो क्या होता है ये हर्निया, किस तरह की प्रॉब्लम होती है? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका डिफरेंट फंक्शंस हैं, और हर पार्ट के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे चेस्ट है, उसके अंदर हार्ट है, लंग्स हैं और मेजर ऑर्गन्स हैं। उसी तरह पेट के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लीवर हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं। तो ये सब एक जगह पे पड़े हुए हैं, एक वॉल बनी हुई है जिसके कारण वो अपनी पोजीशन पे रहते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, जो ये वॉल है जो उसको कवर कर रही है, जिसके कारण मतलब वो अपनी पोजीशन पे पड़े हैं, उसके अंदर डिफेक्ट हो जाता है। तो अब उसके अंदर से आना शुरू हो जाते हैं, प्रोट्रूड करना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम हर्निएशन बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है? हर्निएशन काफी बॉडी के अंदर कुछ तो नेचुरल खाली कुछ होल्स हैं जहाँ पे नेचुरल डिफेक्ट्स हैं। जैसे एक अम्बलाइकस के पास है, ग्रोइन एरिया के अंदर दो डिफेक्ट होते हैं जो मेनली मेल के अंदर ज्यादा हर्निया होता है। जी ठीक है। इसी तरह वो जो डिफेक्ट होते हैं एट बर्थ क्लोज हो जाते हैं, पर कई बार बच्चों में भी हर्निया देखा जाता है कि खुला ही रह गया, बंद नहीं हुआ नेचुरली जो बंद होना था। जी। तो उसमें से इंटेस्टाइन आ रहा है, कई बार ओमेंटम आ रहा है, फैट जो बॉडी के अंदर की फैट होती है एक स्पेशल तरह की, वो बाहर आ जाती है। इसको हर्निएशन बाहर कहा जाता है। मतलब बाय बर्थ वो डिफेक्ट बच्चों में हो जाता है, तभी बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। काफी बार अक्वायर्ड भी होते हैं। अब यही जो नेचुरल डिफेक्ट्स हैं, सपोजिंगली बंद हो गए विद एज, कोई हैवी एक्टिविटी करता है जिसमें बॉडी के अंदर प्रेशर बढ़ता है। अब जो नेचुरल डिफेक्ट्स थे वो पहले तो बंद थे, एक प्रेशर लिमिट्स तक वो खुल नहीं रहे थे, बट सडनली हैवी एक्सरसाइज कर ली, एकदम से जोर से कोई वजन उठा लिया, तो वो प्रेशर से एकदम से वो खुल गया। तो एडल्ट एज में इस तरह से हर्निया देखे जाते हैं। जी, सिम्टम्स डॉक्टर साहब इसके क्या होते हैं, किस तरीके से पता चले कि हर्निया की प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को हुई है? सिम्टम्स बेसिकली सबसे पहले तो कॉमन एरियाज जो होते हैं, मिड लाइन के अंदर होता है, अम्बलाइकस के अराउंड होता है और ग्रोइन एरिया के अराउंड होता है। इसमें कोई भी एकदम से स्वेलिंग आ जाती है, जो दबाते हैं तो अंदर चले जाती है जी, और फिर बाहर आ जाती है। पर जरूरी नहीं है कि वो दबाने से अंदर चले जाए, कई बार वो स्वेलिंग बाहर की बाहर ही रह जाती है। ठीक है। तो और वो वहां पे वो ऑर्गन फंस जाता है, जब तक वो फंसा होता है तब तक पेशेंट को अगर पार्शियल फंसा है तो कोई सिम्टम नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा। पर अगर इंटेस्टाइन आके पूरा उसके अंदर फंस गया, वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाएगा, एक इंटेस्टाइन ब्लॉक हो गया तो पेशेंट का एकदम से जो खाने की पाइप है बंद हो गई, टाइट जो भी खाना जा रहा है वो नीचे नहीं जा रहा, नीचे से विंड पास होनी बंद हो जाएगी, पेट फूलना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, वो एक डेंजरस कंडीशन है जी, धीरे धीरे जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और यही कंडीशन आगे बढ़ते बढ़ते गैंग्रीन में भी कन्वर्ट हो सकती है, जब वो रास्ता बंद हो गया वहां पे वो सूजी शुरू हो गई और उस पार्ट को वो सड़ जाता है, इंटेस्टाइन का पार्ट गल जाता है और उसके अंदर गैंग्रीन हो जाती है। जी बिल्कुल। चलिए गैंग्रीन के बारे में बात करेंगे। अभी एक कॉलर है हमारे साथ पंजाब से, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हेलो अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाहती हैं? मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत खराब है ना जी, मैं जो कुछ खा लेना है पेट फूल जाता है जी, एक पैर से बहुत दर्द रहना जी मेरे जी। कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब? कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई है आपने कभी इसके लिए, पेट के लिए? हाँ सारा कुछ कराया जी, मैं सारा टेस्ट भी कराया, टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गया। क्या क्या टेस्ट कराए? लीवर का, गुर्दों का, सारे कराए। एंडोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड कराया आपने? अल्ट्रासाउंड भी कराया जी। अच्छा, और एंडोस्कोपी? एंडोस्कोपी भी कराई। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल है? जोड़ा जी मैं। आपके दोनों टेस्ट नॉर्मल आए हैं? हाँ जी सारे नॉर्मल आए हैं, ये टेस्ट सारे नॉर्मल आए हैं जी। मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। हाँ, तो शुगर के कारण काफी बार डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, शुगर का एक अच्छा कंट्रोल रहेगा तो ये इनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएंगे। और अगर शुगर जो डायबिटीज है 8 से 10 साल पुरानी होती है तो ये स्टमक के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट कर लेती है, इसके इसकी मोटिलिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उस मोटिलिटी प्रॉब्लम को रोकने के लिए इनको एक तो शुगर का प्रॉपर कंट्रोल करना है और कुछ खास दवाइयां शुरू होती हैं
वो अपने डॉक्टर से मिलकर वो शुरू करवाएंगे। तो ये डॉक्टर साहब, हर्निया से जुड़ा एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने जिक्र किया था गैंग्रेन के बारे में कि ये काफी ये प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन हो सकती है, क्या होता है ये गैंग्रेन? गैंग्रेन आमतौर पर हर्निया में तब होती है जब इंटेस्टाइन आके एक पार्ट उसके अंदर ही रह गया, इट इज नॉट गोइंग बैक। अब क्या होता है कि जब उस वो पार्ट अंदर रह गया तो वो कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके अंदर ब्लड तो आ रहा है पर उसमें से ब्लड वापस नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे वो सूज जाता है। जैसे ऐसे और सूजता है तो वो जो ब्लड आना भी उसके अंदर बंद हो जाता है, तो नाउ इट बिकम्स ब्लैक। जो एक रेड या पिंक था टिश्यू वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। वो काला पड़ने से उसके अंदर बैक्टीरिया जो अंदर बॉडी के होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स निकलना शुरू होता है। जब सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, बैक्टीरियाज इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सब बॉडी के अंदर जाके सेप्टिसीमिया कर देते हैं, जिसका इफेक्ट हार्ट पे होता है, ब्रेन पे होता है, किडनीज पे होता है और सारे ऑर्गन की एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मतलब एक बार गैंग्रीन हो गई तो अगर टाइम पे उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकता। हेलो मंजू जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरे बेटे को 3 साल पहले से मैं डायग्नोज हूँ, मतलब जानती हूँ कि मेरे बेबी को हर्निया है जी। डॉक्टर कभी वो ठीक लगता है, कभी मतलब उसको लगता है कि नीचे टेस्टिस में थोड़ा फूल सा जाता है। कितनी एज है बच्चे के आपके? तो बेटी की उम्र 3 साल इन्होंने बताई है। नहीं नहीं, एक्चुअली 3 साल पहले डायग्नोज हुआ, 6 साल का मेरा बेटा है। 6 साल का बेटा है। तो ये कंजेनिटल हर्निया है, आमतौर पे इसी तरह प्रेजेंट करता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो इसको भी ऑपरेशन इसका इलाज है, इसको कर लेना चाहिए। आपको ऑपरेशन एडवाइस किया ही होगा आपके डॉक्टर्स ने, क्योंकि इसमें कभी भी एक एट एनी टाइम, अभी छोटा सा होल है ये एकदम से बड़ा हो जाएगा प्रेशर के साथ, एज है इसकी, खेलेगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे स्ट्रेन होगा तो ये खुल जाएगा एंड उसके अंदर इंटेस्टाइन जाना शुरू हो जाएगा, तब ये क्लियर कट दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये हर्निया ही है। अभी आ रहा है जा रहा है इसलिए डायग्नोस नहीं हो पा रहा, बट इट मीन्स इट्स अ हर्निया। जिस हिसाब से इनके सिम्टम्स हैं इसको इलाज की जरूरत है और इलाज इसका सर्जरी ही है, देयर इज नो मेडिकल ऑप्शन। दवाइयां लेके हम इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है डॉक्टर, या उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? जो हर्निया इनके कंजेनिटल हर्निया है जो बच्चों में है, यंग एज में अगर हम इनको टाइमली ट्रीट कर लेते हैं तो इसमें दोबारा होने का चांस ऑलमोस्ट नील के करीब होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो साइज ऑफ डिफेक्ट है वो छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और जैसे जैसे बॉडी ग्रो कर रही है उसी टाइम पे वो वाला डिफेक्ट भी कवर हो जाता जी। ठीक है ना, इवन इस केस में मैश भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो नॉर्मली हम हर्निया का कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम जाली लगा के उसको कवर कर देते हैं, बंद कर दिया डिफेक्ट को। जी जी डॉक्टर साहब, हर्निया से और किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हमारी बॉडी में? गैस की ट्रबल्स ज्यादा हो जाती हैं, फिर एक बॉडी को स्वेलिंग सी होती है, अनकंफर्टेबल सा, क्योंकि इंटेस्टाइन एक पार्ट बाहर लटक रहा है, जो एक नॉर्मल अंदर होना चाहिए वो बाहर सा कुछ लटक रहा है, वो पेशेंट को फील करता रहता है, उसको पेशेंट की नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक वो कोई भी प्रेशर वाला काम नहीं करता, रनिंग करनी है या कोई भी एक्टिविटी करनी है जिसमें उसको थोड़ा बहुत वजन उठाना, तो उसको पता है कि एकदम से बाहर आ जाएगा वो और पेन शुरू हो जाएगा, तो वो उस चीज को अवॉइड करना शुरू हो जाएगा, वो नॉर्मल लाइफ अपनी अच्छे से नहीं चला पाता। नहीं कैरी कर, इवन जो ग्रोइन हर्नियाज वाले पेशेंट होते हैं वो वॉक भी नहीं कर पाते, ये आमतौर पे एल्डरली में होता है, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, या बच्चों में होता है जी। बच्चों में है जो जन्म से खुली रह गई, एल्डरली में की एज के साथ वो वीक हो गई और खुल गई। जी डॉक्टर साहब, अभी एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। डॉक्टर साहब, हर्निया की कॉम्प्लिकेशन के बारे में जिक्र करते हैं, आपने बोला कि काफी अनइजी सा फील करता है इस कंडीशन में पेशेंट, और जैसे कि आपने बोला कि अगर बड़ी उम्र हो गई है तो काफी चलने में भी दिक्कत होती है, तो लेकिन अक्सर लोग इसको काफी लाइटली लेते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे इस बारे में? क्योंकि ये एक ना क्रॉनिक डिजीज है, धीरे धीरे ये बढ़ती रहती है और पेशेंट को स्टार्ट तो हो जाती है, दे डोंट रियलाइज कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या, वो अपनी लाइफ चला रहे होते हैं, कोई लंगोट बांध के चला रहा है, कोई उसके ऊपर कोई बेल्ट सी लगा के चला रहे हैं, तो वो टेम्परेरी तो बंद हो जाता है, बट ये ज्यादा हार्मफुल तरीका है इसको किसी ट्रीट करने का, इससे अच्छा वो खुला ही रहने में वो ज्यादा बेटर है, उसके ऊपर प्रेशर करते हैं इंटेस्टाइन के ऊपर, प्रेशर से इंटेस्टाइन के ऊपर नुकसान हो जाता है, तो वो तो करना ही नहीं चाहिए। प्लस यही है कि ये चीज जो चली जा रही है धीरे धीरे, अनकंफर्टेबल सेंसेशन है, दे कैरी विद इट, उनको लगता है कि सर्जरी एक नाम से बहुत डर लग जाता है कि ऑपरेशन मतलब बहुत बड़ी चीज है जी। पर आजकल ऐसा नहीं है, ऑपरेशन इज वेरी सेफ, गुड एनेस्थीसिया होने के बाद आपको पेन भी नहीं होता, दूसरे और रिलेटिवली बहुत अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, लेप्रोस्कोपिक दूरबीन की टेक्निक बोलते हैं जिसको, काफी लोग लेजर भी समझते हैं, तो उसमें ऑपरेशन के बाद आमतौर पर पेशेंट दूसरे तीसरे दिन घर चला जाता है,
इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस वो एक हफ्ते के अंदर अपनी ड्यूटीज भी रिज्यूम कर लेता है जी। तो एक चीज जिसको आप थ्रू आउट लाइफ कैरी करते जा रहे हो, 2 साल 3 साल, और कॉम्प्लिकेशन के हर टाइम रिस्क के ऊपर चल रहे हो, और दूसरा एक शॉर्ट इंटरवल में एक अच्छे सर्जरी से फटाफट आप कंफर्टेबल हो जाते हो, देन यू आर एबल टू डू योर रूटीन एक्टिविटीज। तो इस हिसाब से ऑपरेशन ही एक बहुत अच्छा उपाय है, एंड इट शुड बी डन। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ डॉक्टर साहब। हेलो, कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब जी। इसके लिए टेस्ट क्या क्या अवेलेबल होते हैं, कैसे जाने कि हमें हर्निया का प्रॉब्लम हुआ है? हर्निया का बेसिकली टेस्ट तो जो है क्लिनिकली है, क्लिनिकली मीन्स कि डॉक्टर देख के बताता है कि ये है कि नहीं है। जैसे ये शुरू में एक कॉल था कि एक लेडी का कि बच्चे को कभी लगता है कभी नहीं लगता जी। हम ऐसे केसेस में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं पर फिर भी वो आता नहीं है। दिस इज जब हम देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसके 4-5 तरीके होते हैं, उसके साइंस होते हैं। जैसे हम देखते हैं इमिडिएटली स्पॉट डायग्नोसिस हो जाता है कि ये हर्निया ही है। इसके अलावा सीटी स्कैन एक तरीका है जिससे हम काफी 100% श्योर हो जाते हैं कि ये हर्निया ही है, और किस तरह का हर्निया है वी कैन गेट टू नो। डॉक्टर साहब जैसे आपने बोला कि लोग इसको कैरी करते रहते हैं, शायद हैबिचुअल हो जाते हैं या कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि हमें ये थोड़ा सा फेयर के कारण काफी बार समझ नहीं आती उनको कि चलाते रहते हैं। तो उस सिचुएशन से पेशेंट को किसी और तरह की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, देयर ऑलवेज एट रिस्क। मैंने पहले बताया जैसे इनको इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइन है इसके अंदर तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, एंड आंतड़े वो एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी। वॉमिटिंग शुरू हो गई, कुछ खा पी नहीं पा रहे, पेट फूल गया है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। जो एक सिंपल हर्निया का ऑपरेशन छोटे से चीरे से हो जाना था या लेप्रोस्कोपिक के 3 होल से हो जाना था जी। वो ऑपरेशन एक बड़े पूरे बिग साइज के 10-15 सेंटीमीटर के चीरे से करना पड़ता है। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी बढ़ गया, हो सकता है इंटेस्टाइन खराब हो गई, गैंग्रीन हो गई, इंटेस्टाइन भी काटनी पड़ सकती है जी। तो कहीं ना कहीं काफी सारे कॉम्प्लिकेशन उससे हो सकते हैं। काफी बार क्या होता है, पेशाब का यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो उसके अंदर आ जाता है, तो पेशेंट को कांस्टेंट यूरिन की तरफ प्रॉब्लम्स रहती हैं, पर वो समझ नहीं पाते एंड उसको चलाते रहते हैं जी। चलिए इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों हमारे शो पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम आपसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से कि हर्निया की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमें हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ या फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ, तो तुरंत आप हमें कॉल कर सकते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होते हैं डॉक्टर साहब। हर्निया के बारे में एक और सवाल कि उसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, उसको मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं या फिर उसको ट्रीट सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही किया जा सकता है? हर्निया का ट्रीटमेंट सर्जिकल ही है, मेडिसिन कोई ट्रीटमेंट नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि मैं दवाई खा लूंगा या कुछ लंगोट वगैरह या किसी तरह के जिससे कॉइन्स बांध देते हैं लोग उससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर्निया का ऑपरेशन ही एक ही इलाज है ऑपरेशन, क्योंकि एक डिफेक्ट बन गया है उसको रिपेयर करना है। अब उस डिफेक्ट को या तो सीधा सूचर्स लेके ज्वाइन किया जा सकता है या उसके अराउंड एक मैश लगाई जाती है जिससे वो बंद हो जाता है। अगर हम सूचर लेके करते हैं तो वहां पे टेंशन क्रिएट होती है, जब भी टेंशन होती है आज टेम्परेरली डिफेक्ट ठीक हो जाएगा, अगेन हर्निया हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, जैसे पेट का प्रेशर बढ़ेगा। तो उसको उस प्रेशर पॉइंट को, उस जो डिफेक्ट को है उसके साइज के हिसाब से हम डिटरमिन करते हैं इसमें क्या करना है। आमतौर पे आज पर इसका इलाज मैश ही लगा के किया जाता है उस हर्निया को जी। एक और कॉलर हमारे साथ अभी राजस्थान से डॉक्टर। हेलो, हेलो मदनलाल जी, बताए क्या सवाल है आपका? सर मैंने अभी 10 दिन पहले ऑपरेशन करवाया है हर्निया का जी। जी तो मुझे क्या सावधानी रखनी है? जी ठीक, कम से कम 2 महीने तक आपको कुछ भी प्रेशर अवॉइड करना है, स्ट्रेनिंग अवॉइड करनी है, जैसे मैंने पहले बताया यूरिन के लिए खांसी नहीं होने देनी, कुछ भी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी जिससे अब्डोमेन का प्रेशर ना बढ़े, और बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी अवॉइड करनी है टिल नेक्स्ट 2 मंथ्स। डॉक्टर साहब एक और आखिरी सवाल यहाँ पर कि जो हर्निया के पेशेंट हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो क्या क्या चीज फॉलो करें? हर्निया के पेशेंट्स को बेसिकली जो भी पेशेंट किसी को डिटेक्ट हो गया हर्निया, तो फर्स्ट थिंग यही है कि उसको प्रेसिपिटेटिंग